राजेंद्र यादव गुड़गांव से पूछते हैं जब कभी जीवन में खाली समय होता है तब तो बोरियत होने लगती है हल्की सी बेचैनी है होती है धर्म की राह पर चलने के इच्छुक व्यक्ति को खाली समय में क्या करना चाहिए कि जिससे बेचैनी या भोरियत ना हो बल्कि मन परमात्मा के रस में भी भोर रहे और शांत तथा सौम्य रहे देखिए परमात्मा का रस भी आपको चाहिए शांति भी आपको चाहिए सौम्यता भी आपको चाहिए अगर ये सब कुछ चाहिए तो मन की बोरियत मन की अधीरता के मन के तमोगुण, मन के रजोगुण को भी देखने की फिर जरूरत है जितना उसको आप देखेंगे आप कहते हो खाली समय में क्या करें ना आपके पास खाली समय बचता कैसे मेरे यहाँ मुझे ये लगता है कि 24 घंटे भी कम है बहुत कम है समझ ही नहीं लगती कि पूरा दिन कहाँ निकल गया शाम होती है सूर्यास्त तो होता है रात फिर आ जाती है तो लगता है अरे बड़ी पागल है रात जल्दी आ गई है दिन कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चलता है आपके पास राजेंद्र जी खाली समय निकल कहाँ से जाता है हमारे यहाँ तो न तो मेरे शिष्यों को खाली समय दिखाई पड़ता है कि बोर हो जाए वो न हमको दिखाई पड़ता है तो कुछ दिन आप जरा यहाँ करके आश्रम जीवन जीने की कोशिश करिए साधना करने वाले सेवा में लगे हुए व्यक्ति ना खाली होते हैं ना बोर होते हैं ना उन्हें ऐसा प्रश्न पूछना पड़ता है जीवन में कुछ अनुशासन लाइए लाइफ जितना जीवन में डिसिप्लिन होगा तो समय का अभाव हो जाएगा आप तो खुद मुझसे उल्टा ये पूछेंगे कि क्या करूं समय भागा जा रहा है कैसे इसको रोकूं जो करना है वो करो जो नहीं करना चाहिए वो मत करो खाली समय मत कहिए समय बड़ा कीमती है और समय खाली नहीं होता है समय हमारे पास बहुत थोड़ा है बहुत कम है और इस अल्प समय में हमें बहुत बड़े अंतर के अध्यात्म के उन कार्यों को करना है सो उनको करिए तो निश्चित न कभी बोरियत होगी ना ही आ, क्या करूं खाली समय में वैसे स्कूल में तो हम सुनते थे ए, लोग खाली समय हो तो बिताने को अंताक्षरी खेल लेते हैं तो आप भी खेल लो नहीं तो अंताक्षरी हाँ क्या दिक्कत है उसमें पर खाली समय हुआ कैसे बस मेरे ये समझ नहीं आती है सुबह से लेकर के रात्रि तक जिसका पाँच से छः घंटे बैठने का अभ्यास हो आसन प्राणायाम का मंत्र जप का योग निद्रा का इतने ही में चार पांच घंटे निकल जाते हैं और फिर छह सात घंटे आपकी जॉब या दुकान होगी तो थोड़ा खाना पीना सात घंटे नहाना देखो चौबीस घंटे कैसे भाग गए समय कभी बोरियत नहीं देता है जब हम ये नहीं जानते हैं कि क्या करना है तब लगता है कि समय बहुत सा है And what to do, and how can we kill the time? But know this you cannot kill the time, one day, time will kill you. So, before the time kills, do something about it.